भाई जी सत श्रीकाल, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरप्रीत सिंह फतेह 4865। अभी हम पहुंचे हैं उधमपुर बाईपास के पास, तो यहाँ पे कार्रवाई रुकी हुई है, सामने देख सकते हो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और हाईवे पे हम खड़े हैं। बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, ठंडा मौसम है। लाइन पूरी लाइन लगी है साइड में भी, और गाड़ियाँ टूरिस्ट गाड़ियाँ ये छोटी जा रही हैं, मेरे हिसाब से छोटी गाड़ियाँ भी छोड़ी हैं, छोड़ेंगे कानवाई छोड़ेंगे वैसे। तो अभी तो यहाँ पे हम खड़े हैं, देख सकते हो आप मोरनी, ये मोरनी है मेरी, मोरनी ये मेरी लेलैंड मोरनी है, टाटा वाली तो उधर है कप्पू के पास, कप्पू को दी थी, तो इसकी तो बुरी हालत की हुई है कप्पू ने क्या बताएं आपको, जगह जगह से कानी की हुई है। और अभी मैंने उसको बोला था, मैं भाई वो तो आराम से चलाना, थोड़ा बढ़िया से चलाना आराम से। आ रही है गाड़ियां, तो आ रही है उस साइड से छोड़ी हुई है कान भाई, भाई पहाड़ी एरिया सारा ये पहले यहाँ वाला रोड था, इससे यहाँ से भी निकलता था रोड, ये ऐसे घूम के जाता था, पुल नहीं था जब, तो अब पुल बन गया, तो इस साइड से पहले नहीं तो इधर से घूम के जाता था, यहाँ से ऐसे निकल के जाता था इस साइड से। और ये देखो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे, कान भाई छोड़ी हुई है, तो अभी धीरे धीरे चल रही हैं गाड़ियाँ। 10 बज चुके हैं, 10 बजे छोड़ी थी कान भाई, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है लाइन। उधमपुर बाईपास, बाईपास में है उधमपुर, आगे नाका आने वाला है, तो पार करके सीधा आगे में टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, आगे वाला नाका पार करके गाड़ी निकल जाती है आगे, आगे जाम वगैरह नहीं लगता है इतना जितना यहाँ पे लगता है। हम अभी पहुँच चुके हैं चिलानी टंडल के पास, टंडल पार करेंगे अभी चिलानी वाला, रात के बज चुके हैं 5, क्या टाइम हुआ है, 4:30-5 बजे का टाइम है, अभी जा रहे हैं हम, तो आप जहाँ तक जाम होता है ज़्यादा, तो अभी निकल चुके हैं जाम से। हम पहुँचे हैं चिलानी टंडल पार करके, सुबह पहुँचे थे 5 बजे के साथ यहाँ पे, और जाम लगा हुआ है अभी भी, देखो आप कितना बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और ये हैप्पी सिंह आए हैं हमारे पास, पीछे गाड़ी लगी हुई है हैप्पी सिंह की, तो ये अभी पीछे में कालू चाचा बबलू चाचा की गाड़ी लगी हुई है, बबलू चाचा यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत बुरी हालत है पसी आने से, रास्ता बिल्कुल तंग हो जाता है, दोनों गाड़ियां पास नहीं होती हैं, इसी की वजह से रास्ता बंद था इतने दिन, 6-7 दिन गाड़ियां खड़ी रही यहाँ पे, पसी आने से ही रास्ता बंद होता है, ये देखो भाई डबल गाड़ी पास नहीं होती है, पूरा भी जाम लगा ही हुआ है, ऊपर से पहाड़ों से आती है सारी पसी, ये नीचे गिरती है सारी, है ये देखो भाई जाम लगा रहता है यहाँ पे, काम लगा हुआ है, ये पता नहीं कब बनेगा ये वाला इतना पोर्शन, बहुत खस्ता हालत है रोड की भाई, देख सकते हो आप, ये है भाई। चलो चलो चलो, अगर हल्का सा भी उधर हो गया तो नीचे घुस गई गाड़ी खड्डे में, देखो भाई कितनी खस्ता हालत है रास्ते की, बहुत ही खस्ता हालत है रास्ते की, क्या बताएं। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर बस यही रास्ता है इतना, ये देखो नीचे हालत, देखो रास्ते की कितनी खस्ता हालत है, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आगे सब जो साफ ही होगा, यहीं पे ज़्यादा रास्ता खराब होता है, जहाँ तो आगे रामबन में होता थोड़ा बहुत, तो रामबन में दिखाएंगे आपको। ये भाई ये ऊपर गांव है, ये रास्ता गांव को जाता है, तो
देखो हाइट में देखो पहाड़ भाई कितने गहरे पहाड़ है यहाँ पे। मेघालय में बहुत कम पहाड़ है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पे श्रीनगर में बहुत ज़्यादा पहाड़ है। ये छोटी गाड़ी वाले जाम लगाते हैं ज़्यादा, ये ओवरटेक करते हैं तो गाड़ी घुसाते हैं। ये क्या हो गया, इसका रास्ता त्रिपाल खुल गया। देखो भाई ये टूरिस्ट गाड़ी है सारी, सारा श्रीनगर जाता है टूरिस्ट, जाता है श्रीनगर, इतना श्रीनगर जाता है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप। नीचे में लाइन देखो आप, यहाँ पे रोकी हुई है उस साइड वाली भी, ये देख सकते हो आप नीचे में भी लाइन लगी हुई है। बहुत ही बुरी हालत है भाई, अभी कार्रवाई डबल हुई थी लेकिन फिर से दोबारा हो गई है। ये देखो नीचे में जाम, देखो आप जाम से बाहर, अभी हम निकल चुके हैं जाम से बाहर। देखो नीचे व्यू भाई, आप कितना बढ़िया पहाड़ों का व्यू देखो, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। डैम भी है यहाँ पे लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं, दूर है काफी। ऊपर वो देखो मकान कितने दूर दूर में बनाए हुए लोगों ने, बहुत ही बढ़िया नजारा यहाँ पे। चंद्रकोट जाके देखेंगे, चंद्रकोट वाली टंडल है ये भी बन गई है, अभी बन रही है, थोड़ा काम लगा हुआ है दोनों दूसरी साइड का ना, एक साइड से बन चुकी है ये, देख सकते हो चंद्रकोट की है। अभी कितनी दूर मिट्टी आ रही है अंदर से, बहुत ही ज्यादा होती मिट्टी अंदर, गद्दा बहुत ज्यादा डस्ट अंदर भाई। ये देखो भाई गाड़ियां कैसे आ रही है छोटी भाई। ये देखो नीचे दरिया चनाब दरिया, और इधर हम चल रहे हैं, क्या करें रास्ता, कैंपर वाले भी ऐसे आते हैं। तो भाई ने लाई थी गाड़ी लेकिन गाड़ी थोड़ा इधर झुक रही थी साइड में क्योंकि डोन है, तो फिर पीछे की उसने और फिर निकला जाके डैम्पर। ये देख सकते हो आप पूरा इस साइड में खड्डा है, खाई है पूरा, मतलब कि दरिया है। गाड़ी नीचे जाती है तो दिखती नहीं है, मिलती नहीं है यहाँ से, निकाल लोग निकालते भी नहीं है यहाँ से क्योंकि इतना गहरा दरिया है नीचे, देख सकते हो आप कितना गहरा है नीचे में दरिया। तो ये अभी टंडर बना रहे हैं, पहले बनाई थी रास्ता बनाया था पहले इन्होंने, टूट गया था, फिर दोबारा अभी टंडर बनाने लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। ये अभी आ रही हैं गाड़ियां भाई, यही होता है लास्ट, यहीं तक ही ये जाम, जब ये लास्ट रामबन ये पार निकल गए तो आगे आपको बिल्कुल जाम नहीं मिलेगा, यही पसी है बस, यहाँ पे ही लास्ट होता है जाम। तो जब पसी आती है तो क्या हालत होती है रास्ते की, और जो जो बना रहे हैं काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो सरिये वगैरह लगाए होते हैं, जो भी प्लान बड़ा बड़ा होता है पिलर वगैरह सारे कैसे पूरे टूट जाते हैं वो दिखाते हैं आपको। देखो आगे कितनी खस्ता हालत होती है इन पिलरों की, ये आप देखोगे ना तो बोलोगे बहुत ही रिस्की काम है यहाँ पे जो काम करते हैं ना। ये देखो कितना रिस्क है, ये देखो कैसे ऊपर से आती है, ये पस्सी आती है ऊपर से, तो ये देखो ये हालत होती है, देखो ये पस्सी आती है तो गाड़ियाँ नीचे दब जाती हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ पूरी नीचे दब जाती हैं। ये देखो ऊपर काम लगा हुआ था तो ऊपर से पस्सी आ चुकी है, ये देखो सामने देखो ये पूरा पस्सी आ चुकी है और ये पूरा दब चुका है, देखो सारा ही इधर साइड में देख सकते हो कितनी खतरा, नीचे में दरिया है और ये इस साइड में ये है खतरा, दोनों साइड में खतरा है गाड़ी वाले को, बहुत ही डेंजरस काम रहता है यहाँ पे भाई, रिस्की जॉब है। ये देखो यहाँ से ये अभी देखना, यहाँ से हम दिखाते हैं आपको, ये देखो यहाँ से गाड़ी निकलती है, कितना फ़र्क है यहाँ से, आधा फुट का फर्क नहीं होता दरिया के नीचे का, और ये देखो पूरा टूटा पड़ा हुआ है। लास्ट यही रामबन बाजार का जाम होता है, आगे पूरा फोर लाइन है, आगे आपको कहीं नहीं जाम मिलेगा, बस यहीं लास्ट फाइनल यहीं पे जाम है। ये बस स्टैंड है यहाँ का रामबन का, ये देख सकते हो आप, पहले पहले जाती थी गाड़ी अंदर से, ये ऊपर से जाती थी गाड़ी,
साइड से, तो ये रोड है ऊपर वाला, अब ये फोर लाइन बन चुकी है, देख सकते हो आप रामबन का पूरा, देख सकते हो लुक, देख सकते हो रामबन की आप, बहुत ही बढ़िया बन चुका है। अब अंदर वाला सिटी वाला जो जाम वाला रास्ता था सारा खत्म हो गया, अभी ये फ्लाई ओवर बन चुका है। तो ये तो पहले एक एक घंटा डेढ़ घंटा लग जाता था रामबन बाजार से आने, यहाँ पे एक फायदा है मौसम बढ़िया रहता है, एसी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फैन के साथ ही काम चल जाता है। ये देखो पत्थी ऊपर से, ये देखो नीचे रोड बना हुआ है, ऊपर से पत्थी देखो कैसे गिरती है, इन पहाड़ों से आती है ऊपर, देख सकते हो आप ये मोड़ खतरनाक मोड़, और सामने बर्फ पड़ी हुई ऊपर पहाड़ों के ऊपर, ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फ का व्यू हमारे, देखो भाई देखो पहाड़, देखो भाई कितने पत्थरी पहाड़ है, पत्थर वाले ये सारे पत्थर वाले पहाड़ है, और पत्थर देख लो कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, जिसके ऊपर पड़ जाता है ना वो उड़ता ही नहीं, उड़ जाता है यहाँ से, इतने बड़े बड़े पत्थर है भाई, मोटू पतलू हो जाएगा। नीचे देख लो भाई, नीचे तो चीटी चीटी जीता दिखता आदमी खड़ा हुआ, गाड़ी छोटी सी दिखती है, और ये छोटी गाड़ी वाले ने बहुत गलत डाला हुआ है, ये पीछे देखो कैसे आते हैं, बहुत ज्यादा गदर डाला हुआ है उन्होंने, ये देखो भाई आगे कैसे फंसा देते हैं गाड़ी, ये देखो मंकी मंकी भी है यहाँ पे, देखो भाई पहाड़ देखो, गाड़ियां कैसे साथ साथ में इसके चलती हैं, लगती हैं साथ में, जो लोड गाड़ियां होती हैं पहाड़ों के साथ में लग जाती हैं, ये देखो आगे से आ रही हैं गाड़ियां, देख सकते हो रास्ता, देखो भाई बहुत नीचे गहरी है, उस साइड में दिखाएंगे जाते समय आपको, उस साइड वाला दिखाएंगे व्यू तो पहाड़ के, उस साइड वाला ये वाला देख लो आप कितने पास पास में, सिंगल रोड है, ये भी टनल वगैरह बन जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, नीचे वो आगे देखो ऊपर पहाड़ियां देखो कितनी हाइट में है, कितने बड़े बड़े ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं फिर उठा के तो साइड में करना पड़ता है, कितने बड़े बड़े पत्थर है देखो, सारे ऊपर से आते हैं पहाड़ों से, इतनी मतलब कि रिस्की जॉब होती है हमारी ड्राइवरों की, बहुत ही डेंजरस ड्राइविंग यहाँ पे करनी पड़ती है हमें, देख सकते हो आप बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग, रिस्क बहुत रिस्क बड़ी ड्राइविंग है यहाँ, क्या बताएं आपको, इतना रश होता है और ऐसे ही रश रहता है, ये 12 महीने ऐसे ही रहता है, अभी तो ये तो अभी सेफ सीजन नहीं है, तो इतना रश है, सीजन आता है ना तो बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पे, ट्रैफिक इतनी होती है क्या बताएं आपको, मैं बोलता हूँ गाड़ी पूरा मतलब कैसे लाइन होती है पूरी गाड़ियों की पूरी भरी हुई, और छोटी गाड़ी वाले तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, अभी हम बनाल पहुँचने वाले हैं, सुबह का हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, टाइम हो चुका है 1 बज चुका है, अभी दोपहर वाला ही होगा, तो बनाल इतनी धूल मिट्टी है करता है जहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत है, तो गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं थी, हमने सोचा चलो पार करके लगाएंगे, बनाल पहुँचेंगे तो लगाएंगे, तो फिर खाएंगे खाना जाना, कल भी ऐसे ही रह गए थे हम, सोचा था पीढ़े में राजमा चावल खाएंगे देसी घी के साथ, तो वो पीछे ही जाम लग गया, जब हम पहुंचे थे तब दादा ही बंद था काली का, अभी फिर चल रहे हैं बनाल पहुंचेंगे तो वहां पे देखते हैं खाते हैं खाना, ये है भाई रास्ता देखो भाई, भाई बनाल बाजार है, बनाल बाजार है ये, बनाल बाजार, बनाल पहुंच चुके हम, टाइम हुआ अभी 2:15 का,
आगे आ जाएगा हाईवे बनाल वाला नेशनल हाईवे, टोल आ जाएगा, पार करके मारेंगे पार्टी को फोन तो कहाँ खाली होगी पता करेंगे, फिर शाम को घुसाएंगे गाड़ी, कल करेंगे खाली। देखो भाई पहुंच चुके हैं अपना बनहाल हाईवे पे टोल प्लाजा के पास में, पीछे वाला जो जितना भी गन था हमने सारा पीछे ही छोड़ दिया, तो अभी हम खाना जाना खाने लगे हैं, भूख लगी है, खाना बना हुआ है तो खाएंगे अभी, तो फिर निकलेंगे यहाँ से चलेंगे आगे, लोकेशन वगैरह भेजी है यहाँ से, अभी 95 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है, तो ये लगी गाड़ी अपनी, और ये देखो नज़ारे यहाँ के खूबसूरती देखो कितनी बढ़िया, सामने बर्फ़ पड़ी हुई है, तो पहले ऊपर से रास्ता होता था वो दिख रहा होगा आपको, उस साइड से जाती थी गाड़ी, ऊपर से घूम के जाती थी अगर पहाड़ों के ऊपर से, वो सामने उस साइड से जाती थी घूम के, वो सामने वाइट कलर के पहाड़ दिख रहे हैं सामने, ये इन साइडों में जाती थी, वहाँ से जाती थी गाड़ी घूम के, पहाड़ों के ऊपर से जाती थी गाड़ी, तो अभी ये जब से बाईपास बना हुआ है ये अपना टोल प्लाजा लगा हुआ है तो इस साइड से जाती है। अभी खाना खाने लगे हैं चावल तो सब्जी, ये देखो इस साइड से कानवाई छोड़ी है, अभी देख सकते हो आप अभी छोड़ी है कानवाई, गाड़ियों की लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दूर तक। आ गई बनहाल वाली डंडल, बनहाल वाली डंडल है ये दोनों साइड से है, एक साइड से ये है, एक साइड से उस साइड में भी है, दोनों साइड में है, डबल गाड़ी क्रॉसिंग होती है यहाँ पे, बनहाल वाली डंडल है ये देखो, डबल क्रॉसिंग है, गाड़ी जा रही है कार उस साइड में लग से है, बनहाल टनल पार किया और ये आ गया टोल प्लाजा। गाड़ियाँ देखो कल की छोड़ी हुई हैं, दोपहर की आपको दिखाया मैंने, तो अभी भी लाइन देखो गाड़ियों की लाइन ही टूट रही है, कितनी गाड़ी है ये टोल प्लाजा कैसे पूरा भरा हुआ है, ये टोल प्लाजा पूरा भरा हुआ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी ये देखो आपको दोनों साइड में, कितनी ज़्यादा कान भाई आ रही है अभी पीछे से देखो कैसे आ रही हैं गाड़ियाँ, देखो लाइन भाई दोपहर की गाड़ियाँ छोड़ी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है कान भाई, लेकिन लाइन नहीं टूट रही है भाई, गाड़ियों की लाइन देखो भाई। पहुंच चुके हैं श्रीनगर जहाँ पे खाली करनी थी गाड़ी हमने तो गाड़ी वहाँ पे लगाई हमने पीछे खाली करने के लिए, तो अभी हम चाय पीने के लिए सामान सामून लेने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान खरीदना गाड़ी में, ये मार्केट श्रीनगर की देख सकते हो, मार्केट श्रीनगर की गाड़ी हमने पीछे लगाई है वहाँ पे, सुबह की गुड मॉर्निंग है, ठंड है यहाँ पे, बढ़िया गुड मॉर्निंग है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप, ये सामने मस्जिद और ये मकान देखो, बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ गिर जाती है, ऐसे मकान बनाए होते हैं उन्होंने यहाँ पे।